फरीदाबाद NIT क्षेत्र में लगता है और आज हम इस समय मौजूद हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट कई प्रकार के प्रोग्राम लॉन्च करती रहती है जनरल अवेयरनेस के लिए, तो इस समय हम जनरल अवेयरनेस के लिए अपने 34वें सूरजकुंड मेले के अंतर्गत बात करने जा रहे हैं। एड्स और टीवी से रिलेटेड कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत यहाँ पर एक स्टॉल लगाया गया ताकि यहाँ पर आने वाली पब्लिक को समझाया जा सके कि इनसे कैसे बचाव किया जा सकता है और इनसे किस तरीके से अपने आप को बचाव करके सुरक्षित भी रखा जा सकता है अपने आप को। तो हम बात कर रहे हैं हमारे 3 नंबर मेडिकल कॉलेज से काउंसलर हैं एक मिस्टर कृष्ण कुमार जी, तो उनसे हम आज सीधी बात करेंगे कि वो किस तरीके की अपनी पब्लिक जो है अपने आप को पूरा सेफ जोन में रख सकती है। देखते हैं गवर्नमेंट की अवेयरनेस किस कहाँ तक हमारी पब्लिक के काम आते हैं। चलिए, सभी को मेरी नमस्कार। मैं ICTC काउंसलर कृष्ण कुमार, HIV/AIDS के बारे में यहाँ जितनी भी पब्लिक आती है हमारे पास, सभी को हम इनको अवेयर करते हैं कि HIV क्या है, एड्स क्या है, कैसे फैलता है, इसके बचाव के क्या साधन हैं, क्या क्या हमें इसमें प्रिकॉशन रखने चाहिए, कंडोम यूज के बारे में भी हम उनको पूरा बताते हैं और STI के लिए बताते हैं और TB के लिए कि TB कितने प्रकार की होती है, TB कैसे फैलती है, किसी TB से कैसे बचा जाता है और TB की दवाई कितने टाइम खाई जाती है, ये सारी हम इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम मेले में हमारा चल रहा है और HIV की टेस्टिंग भी मेले में हमारी चल रही है, जो हमारी पर डे की जो है 80 से 90 टेस्टिंग डेली हो रही है। तो 80 से 90 टेस्टिंग जो हो रही है, आपने अभी तक कोई पॉजिटिव पाया है एड्स या TB के बारे में? जो है अभी हमारे पास में पॉजिटिव एक आया, लेकिन जब हमने उसकी पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग करी तो हमारे को उसमें फाइंड आउट ये आया कि उसकी पहले से ही ART चल रही है। वो अपने ग्रुप में आया था, स्टूडेंट था, अपने ग्रुप में आया था, ग्रुप में वो बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसको हमने अलग से जैसे बुलाया, पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग करी, जब ये चीज़ हमारे सामने आई कि उसकी पहले से ही ART चल रही है। तो अगर हम जानते हैं कि हमारे देश में कहीं ना कहीं आज भी रूढ़िवादी सोच विद्यमान है और या भारी है, हावी है आज की जनता के ऊपर, तो क्या किया जाए उसको, कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है क्या HIV के लिए? हाँ जी, आज भी हमारे यहाँ पे रूढ़िवादिता है, इवन जो एजुकेटेड पर्सन है उनके भी दिमाग में एक ही बात है कि HIV में सेक्सुअल एक्टिविटी कहीं ना कहीं रॉन्ग होगी। बहुत सी ऐसी बेचारी लड़कियाँ हैं जो शादी के बाद हस्बैंड उनका पहले से पॉजिटिव होता है, वो लोग बताते नहीं है, और वो शादी के बाद में वो जो पॉजिटिव होती है तो उनकी सास या घर वाले एक ही बात का दबाव डालते कि आप ही कहीं गलत हैं और उनका जो वो हरासमेंट होता है और उनको घर से निकाल दिया जाता है। तो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्पलाइन नंबर या कभी किसी को पाया जाए कि उसको कोई इशू है तो क्या है कुछ ऐसा कुछ अवेयरनेस के लिए? हाँ जी, हमारी गवर्नमेंट की ओर से HIV/AIDS में हेल्पलाइन नंबर है 1097 का। इसमें कोई भी दिक्कत है HIV की, कोई अवेयरनेस लेनी है या वैसे भी कोई भी है, और इसमें लिखली भी हमारा एक वो ला है कि उसमें अगर किसी के बच्चे को स्कूल से निकाला जाता है या किसी को नौकरी से निकाला जाता है HIV होने से, तो उसमें गवर्नमेंट एक्शन लेती है, उसकी हम जो रिपोर्ट है वो टाइम टू टाइम भेजते रहते हैं। तो हमारी जो ये वीडियो जो हम बना रहे हैं, इसमें हम ये भी बताना चाहेंगे जनता को कि जब मान लीजिए अगर इस तरीके के कुछ इश्यूज आते हैं सामने, तो क्या गवर्नमेंट इसके लिए कोई चार्जेबल है या अनचार्जेबल है, क्योंकि लोगों कहीं ना कहीं पैसों का भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल भी इश्यूज होते हैं, तो उसके लिए क्या कहना होगा? नहीं, HIV/AIDS के लिए जो है, जो हमारा लीगली है, वो कोई चार्ज नहीं होता, उनके लिए फ्री होता है। उनका ट्रीटमेंट भी फ्री होता है TB का, जैसे डॉट्स के लिए बोला जाता है? HIV और TB का ट्रीटमेंट फ्री है। TB के लिए तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ₹500 उनको फूडिंग के लिए दे रहे हैं हर महीने, जब तक उनकी मेडिसिन चलती है, डोज चलती है, ₹500 उनको महीना मिलता है। HIV में भी अभी हमारा प्रोसीजर चल रहा है कि लगभग उनको 2000 की पेंशन महीने की देंगे ताकि वो खाना खा सके, अपना गुजारा कर सके। मेडिसिन फ्री है, इसमें कोई चार्जेबल नहीं है, टेस्ट जो होते हैं वो सारे फ्री होते हैं, कोई पैसा नहीं लगता। तो ये थे हमारे साथ कृष्ण कुमार जी और हम उनसे बात कर रहे थे जनरल अवेयरनेस के बारे में, हमारे HIV और एड्स के बारे में या फिर TB के बारे में, और गवर्नमेंट काफ़ी सहूलियतें दे रही है यहाँ की जनता को और उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है इन सब के टेस्ट वगैरह भी, और अगर किसी में पाया भी जाता है लीगल एक्शन भी हो सकता है अगर किसी भी जगह पर किसी को नौकरी के लिए या किसी जगह हराश किया जाए। मैं भारत वर्मा, ब्यूरो चीफ एजेंट। सबसे पहले खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।